सूरह सजदा है, सूरह नंबर 32, यानी सर निगू हो जाना, सजदा कर देना, सजदा रेद हो जाना। इसके बाद से मुसलसल सूरतें अगर आप लगातार देखते चले जाएंगे सूरह नंबर 39 तक भी, यानी जो सजदा रेज हो गया, जो अल्लाह के ताबेदार हो गया, अल्लाह की बात जिसने मान ली वो सुरखरू हो गया, और जो कोई भी अल्लाह ताला के लिए झुकता नहीं है, इनाबत इख्तियार नहीं करता और उसका सजदा रेजी नहीं करता, इबादत नहीं करता, झुकता नहीं है, मानता नहीं है, वो जलील व ख़ार हो जाएगा। सूरह सजदा के अंदर जो सजदा भी करते हैं, इमाम साहब आपने देखा होगा जुम्मा के दिन जब फजर में नमाज पढ़ते हैं तो सजदा, यानी कि खुदू पर उभारा गया है, सजदा पर उभारा गया है, इताअत पर उभारा गया है। और तौरात की एक मिसाल देकर समझाएंगे कि इससे पहले तौरात को नहीं मानने वालों का क्या हल हुआ, क्योंकि वो अल्लाह ताला की जब उन्होंने इताअत नहीं की तो नाकाम हो गए, जिन्होंने तौरात को माना उस जमाने में कामयाब हो गए। तो ऐ कुफ्फारे कुरैश, तुम भी आज कुरान मजीद को नहीं मान रहे हो तो तुम्हारा क्या असर होगा? देखो मोमिनीन जो फ़ायदा उठाने वाले हैं उनको तुम तकलीफ दे रहे हो, एक वक्त आएगा कि ये लोग कामयाब हो जाएंगे। फतेह मक्का में दूध का दूध पानी का पानी हो गया और पता चल गया कि कौन कामयाब और कौन नाकाम, तो आखिरत में तो और भी ये कामयाबी खुलकर सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से सूरह सजदा के अंदर खुदू का माना, इनके सारी का माना खुलकर वादे हो जाएगा। और उसके अंदर ये बताया गया कि इमामत का दर्जा मिला बनी इसराइल को सब पर जब उनका ईमान जो यकीन के लेवल पर था, उनका अमल सबर के लेवल पर था। यानी कि मतलब ये है कि दो चीज़ें जिसके अंदर पैदा हो जाती है, यकीन और सबर, वो कौम जो तरक्की करने रहती है। जिस कौम के अंदर यकीन और सबर की कमी हो जाती है वो कौम जिल्लत की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहाना ताला मुझे और आप सबको सूरतों में पाए जाने वाले असबाक से इस्तेफादा करते हैं, अपनी जिंदगियों को उसमें ढालने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। الدعوة نور وطاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وطاء تجد ظلمات الحيران منهج خير